से पहले गुज़श्ता दिनों दुश्मन मुल्क भारत की तरफ से वतन अजीज पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरफ घटिया अमल और जारियत का नाकाम कोशिश को शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और अपनी बहादुर फौज और पाक फिजाइये के जानबाज और जरूरतमंद जवानों को लखों सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों पर खेल कर गटिया और नामरद दुश्मन के अजम को हाक में मिलाकर उन्हें पसपंदा कर दिया और दुश्मन की मनफी प्रोपेगेंडा और झूठ को दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। जनाब स्पीकर साहब, आज हम ग्वादर से लेकर खैबर तक और कराची से लेकर कश्मीर तक एक मजबूत और ताकतवर कौम बनकर अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। आज कौम का बच्चा बच्चा अपनी वतन की दिफा और ज़मीन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर एक साथ दुश्मन के मुकाबले में अपनी फौज के साथ खड़ी हैं। आज हम कोई बलोच, कोई पख्तून, कोई पंजाबी और कोई सिंधी और कोई महाजर और कश्मीरी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। जनाब स्पीकर साहब, हमारी तारीख गवाह है, हमने लाखों जानों की कुर्बानी देखकर इस वतन की आबियारी और दिफा की है और आज भी हम दुश्मन को आंखें में आंखें मिलाकर सीना तान कर अपनी वतन की दिफा की खातिर दुश्मन को हम नेस्त नाबूद कर देंगे। हम मुसलमान हैं, अपनी वतन की दिफा हमारे ईमान का हिस्सा है। दुश्मन ने हमें ललकार कर हमारी गैरत को छेड़ा है, इंशाल्लाह हम दुश्मन को मनपी और मजूम अजम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, आज बलोच और बलोच कौम का हर गैरतमंद बेटा अपनी वतन की दिफा में अपनी बहादुर फौज के साथ हैं। आज हम दुश्मन को ये बावर कराने का वक्त आ गया है, इसको किस कौम से वाबस्ता पड़ा है। इंशाल्लाह ये गैरतमंद कौम और गयूर कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन को नेस और नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया।